Hi guys, welcome to Ali Vocabulary. So today is 18th January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindi newspaper with pictures and tricks. जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर हम किसी वर्ड्स को पिक्चर के साथ विजुअलाइज करके याद रखते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है. एंड मैंने इस वीडियो में हर वर्ड के साथ एक ट्रिक भी दिया, और ट्रिक ऐसा है कि जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल बातों में यूज़ करते हैं, ओके, या जो उस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स होंगे या उस वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड रूट होंगे, वर्ड रूट जो बहुत इजी है हमारे लिए, क्योंकि मैं हर वर्ड का आपको वर्ड रूट भी बताऊंगा जो हमारे लिए ईजी होगा या ट्रिकी, मतलब वो ऐसा ट्रिक है जो आपको आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होगा और आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ जाएगा. ओके, सो आप इस वीडियो को आराम से रिलैक्स होकर देखो. एंड गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप इस वीडियो को एज ए एंटरटेनमेंट देखो. ओके, एज ए एंटरटेनमेंट, रियली आप इस वीडियो को एज ए एंटरटेनमेंट देखो. आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो ऐसा इस वीडियो को मत देखो, प्लीज़. ओके, अगर आप पेन कॉपी लेके अगर इस वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ आप पेन कॉपीज ये सब साइड रखो. ओके, आप इस वीडियो को पूरा इंजॉय करो. अब जब पूरा वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इस वीडियो को रिवाइज करने के लिए नीचे मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब दे दूंगा. आप उस टाइम अपने कॉपी में नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप अभी इस वीडियो को एज ए एंटरटेनमेंट देखो. ओके, क्योंकि देखो तो जब हम रिलैक्स होके किसी चीज़ को एज ए एंटरटेनमेंट देखते हैं, एज ए टाइम पास देखते हैं, तो वो हमें वो जल्दी और जल्दी याद होता है. क्योंकि देखो जब हम किसी जैसे सपोज करो हम किसी मूवी को देखते हैं तो देखते हो हम लोग 2-3 घंटे जो मूवी देखते हैं हमें वो मूवी पूरा याद रहता है. ओके, फिर हम उसे याद करने की कोशिश तो करते नहीं है, फिर भी हमें वो मूवी पूरा याद रहता है. क्यों? क्योंकि हम रिलैक्स होकर उस मूवी को देखते हैं. तो आप इस वीडियो को भी रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखो. ओके, और इस वीडियो को हम थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे. वैसे ये वीडियो लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो को एज ए इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे. मैं जो आपसे क्वेश्चन करूंगा प्लीज़ आप नीचे कमेंट में देना, जिससे आप लोगों को भी आसानी होगी उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में, लर्न करने में. ओके, और मैं इस वीडियो में हर वर्ड को अपने आप से रिलेट करें, मतलब अपने आप से मैं अपने आप से करूँ रिलेट, आप उस वर्ड को अपने आप से, मतलब आपसे. ओके, आप अपने आप से करना इस वीडियो को रिलेट. ओके, जैसे उस वर्ड्स में आपके लिए बात हो रही है. ओके, क्योंकि देखो हम कुछ अपने बारे में बात करते हैं ना तो हमें वो याद करने की मुश्किल नहीं होती है, वो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है. क्योंकि अपने बारे में भी कोई चीज़ कोई भूलता है क्या? नहीं ना. आपके साथ जो कुछ होता है या आप जो देखते हो तो वो आप भूलते नहीं हो, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है. तो आप हर वर्ड को अपने आप से करना रिलेट. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना रिलेट. ओके, आप बस इस वीडियो को आराम से जो 15-20 मिनट का जो वीडियो आप इसे इंजॉय करो बस. ओके, रिलैक्स होकर आराम से आप चेयर टेबल जहाँ भी हो आप आराम से बैठ जाओ. ठंड की मैंने ब्लैंकेट भी ले लो, आराम से ओढ़ लो, उसके बाद इस वीडियो को आराम से देखो. ओके, सो गाइज सिट बैक रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड to learn some more new words. So let's get started. First word is supersede. Supersede means replace with something better. मतलब किसी को replace करते हैं, whether किसी object को किसी person को replace करते हैं betterment के लिए, अच्छे के लिए, तो उसे हम बोलते हैं supersede. जैसे आप इस पिक से समझो, देखो ये मेरा ओल्ड कार था, मैंने न्यू कार लिया, न्यू कार में मुझे न्यू फीचर्स मिले, अच्छा कंफर्ट मिला, तो इसे मैं बोलूँगा सुपर सेट, क्योंकि मुझे बेटर मिल रहा है कुछ, तो इसे हम बोलेंगे सुपर सेट. अगर मैं ओल्ड कार को ही बेच के ओल्ड कार ही लेता तो मुझे कुछ न्यू नहीं मिलता, तो उसे हम बोलते हैं रिप्लेस. बट मुझे जो न्यू जो मिला है उसमें मुझे कम्फर्ट्स अच्छे मिले हैं, मतलब कुछ बेटर मिला है, कुछ अच्छा मिला है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर सेट. ओके, जैसे आपने कभी अपना फ़ोन चेंज किया होगा. ओके, आपने जब अपना न्यू फ़ोन लिया होगा तो आपको ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन में कुछ एडवांस फीचर्स मिले होंगे, आपको कैमराज अच्छे मिले होंगे, स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छे मिले होंगे, उसमें रैम आपका ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसे हम बोलेंगे सुपर सेट. ओके, क्योंकि आपको उसमें न्यू फीचर्स मिले जो आपके लिए बेटर है, अच्छा है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर सेट. ओके, जैसे अगर आपने अपना कार या बाइक या स्कूटी चेंज किया होगा तो आपको न्यू स्कूटी या न्यू बाइक में क्या मिला है, आपको अच्छा माइलेज मिला है, आपको और कंफर्ट मिला है, तो उसे हम बोलेंगे सुपर सेट. ओके, जैसे अगर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर का आप विंडोज़ चेंज करते हो, विंडोज़ 8 से 8.1 से आप 10 में आए हो, तो क्यों आए हो? क्योंकि आपको विंडोज 10 में न्यू फीचर्स मिले हैं, कुछ अच्छा मिला है, बेटर मिला है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर सीट. ओके, होप आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया हो सुपर सीट का. अब इस वर्ड को आप अपने आप से रिलेट करो कि आपको ऐसा कोई सिचुएशन था, कोई सामान था, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था जिससे आपने उसे रिप्लेस किया है न्यू वन के लिए. ओके, मतलब न्यू में आपको कुछ अच्छा चीज़ मिला है, तो उसे भी आप रिलेट करके
कर सकते हो सुपर सीट का मीनिंग याद करके, ओके। आप वीडियो को पॉज करो, आप सोचो कि आपके साथ क्या सुपर सीट हुआ था या आपका आपके लिए क्या सुपर सीट है, ओके। सो सुपर सीट मीन्स टू रिप्लेस समथिंग, स्पेशली समथिंग ओल्डर और मोर ओल्ड फैशन, और यू कैन से टेक द प्लेस और मूव इन टू द पोजिशन ऑफ, हिंदी में बोलेंगे निकाल फेंकना या हटा देना। और देखो इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आप इसे रेड करो सुपर से, ओके। सुपर सीट मैंने वर्ड सुपर, तो वेन ए सुपर न्यू थिंग्स अराइव यू रिप्लेस और सेट असाइड ओल्ड वन थिंग्स बिकॉज इट इज ओल्डर एंड ओल्ड फैशन। सपोज कोई मार्केट में न्यू चीज़ आए, ओके, मतलब जो सुपर न्यू थिंग्स है, तो आप क्या करो ओल्ड वन को निकाल फेंकोगे सेट असाइड, तो उसे हम क्या बोलेंगे सुपर सीड। फॉर एग्जाम्पल द ओल्डर मॉडल ऑफ कार हैव नाउ बीन सुपर सीटेड। नेक्स्ट वर्ड इज डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मीन्स वेन यू आर डिससेटिस्फाइड, वेन यू आर डिससेटिस्फाइड इधर बाई अदर्स और बाई योर सेल्फ, मतलब आप जब अपने आप से असंतुष्ट होते हो, नाखुश होते हो, या किसी और से या किसी दूसरे से नाखुश होते हो, असंतुष्ट होते हो, तो उसे हम बोलते हैं डिसकंटेंट। लाइक सपोज आप किसी ऑफिस में बॉस हो, ओके, और आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ काम दिया था और वो एम्प्लॉय उतना अच्छा काम नहीं किया जितना आपने सोचा था कि वो और अच्छा काम कर पाएगा, लेकिन वो उसने उस लेवल का काम नहीं किया, तो आप उसके काम से नाखुश हो, तो उसे हम बोलेंगे डिसकंटेंट, क्योंकि आपने सोचा था कि वो और बेटर काम करेगा बट वो बेटर काम नहीं किया, तो आप उसके काम से नाखुश हो, तो उसे हम बोलेंगे डिसकंटेंट। अब इस वर्ड को आप अपने आप से रिलेट करो, जैसे सपोज करो आपने जो प्रीवियस एग्जाम दिया था, ओके, तो प्रीवियस एग्जाम को जो रिजल्ट है आपने सोचा था कि आपको 90 मार्क्स आएंगे बट आपको 90 मार्क्स नहीं आए, ओके, तो आप अपने रिजल्ट से अपने मार्क्स से नाखुश हो, आपने सोचा था कि और बेटर रिजल्ट आएंगे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आप अपने मार्क्स से नाखुश हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे डिसकंटेंट, ओके। सो डिसकंटेंट मीन्स ए फीलिंग ऑफ वांटिंग बेटर ट्रीटमेंट और एन इम्प्रूव सिचुएशन, और यू कैन से सोइंग और एक्सपीरियंसिंग डिससेटिस्फैक्शन और रेस्टलेस लॉन्गिंग। रेस्टलेस लॉन्गिंग मीन्स होता है बेचैन हो जाते हो, उसे बोलते हैं रेस्टलेस लॉन्गिंग, हिंदी बोलेंगे असंतुष्ट नाखुश, ओके। अब आप सपोज करो कि आप वीडियो पॉज करके सोचो कि आप कब नाखुश हुए थे अपने आप से, अपने किसी काम से, डिसकंटेंट आप कब हुए थे, ओके, आप कब हुए थे डिसकंटेंट, ओके। तो आप इसे अब वीडियो पॉज करके आप अपने से करो इस वर्ड को रिलेट, ओके। देखो जब आप डिसकंटेंट हो तो आपका फेस ऐसा रहता है, होता है ना, ओके। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आप इसे करो रिलेट डिस प्लस कंटेंट। डिस प्लस कंटेंट टू रूट वर्ड्स है, डिस मीन्स तो आपको पता है, डिस मीन्स नॉट, एंड कंटेंट मीन्स होता है ए स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस। दैट मीन्स डिसकंटेंट मतलब नॉट ए स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, मतलब क्या हो गया वो डिसकंटेंट, मतलब ना खुश। सो एज एन एग्जेक्टिव ये डिसकंटेंट एग्जेक्टिव लेते हैं, सो एज एन एग्जेक्टिव डिसकंटेंट मीन्स नॉट हैप्पी और पीसफुल। फॉर एग्जाम्पल वोटर्स वॉइस्ड डिसकंटेंट विथ बोथ पार्टीज, मतलब वोटर्स क्या दोनों पार्टी से नाखुश है, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है निक, एन आई सी के निक। निक मीन्स होता है, निक एक सिंपल वर्ड है, निक मीन्स होता है एटीनी कट्स और स्क्रैच, ओके। लाइक सपोज आपके हाथ से कुछ ग्लास का बर्तन या ग्लास का सामान गिर जाता है, तो देखते हो वो जो बिखर जाता है, तो सपोज करो आप उसे उठा रहे हो, गैदरिंग अप कर रहे हो, और उसी टाइम आपके हाथ में कुछ कट्स आ जाते हैं उस कांच के ग्लास से, तो उसे हम बोलेंगे निक, ओके। आपको कुछ चोट आ जाता है या आपके हाथ में जो छोटे छोटे कट्स आ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं निक। लाइक वाइज आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक सपोज आप सेविंग कर रहे हो या सेविंग करवा रहे हो और आपके स्किन में छोटा सा कट आ जाता है, तो उसे भी बोलते हैं निक, ओके। और एक निक का मतलब होता है जब आप पैसे के लिए या कैश के लिए किसी को चीट करते हो, तो उसे भी बोलते हैं निक, ओके। सो निक मीन्स ए स्मॉल कट और नोच इन ए सरफेस और एन एज, और यू कैन से चीट समवन आउट ऑफ द कैश, हिंदी में से बोलेंगे हम छेद या कट का निशान। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, यह इंटरेस्टिंग है, आप इसे वो करो रिलेट निकर से, निकर, ओके, निक निकर, निकर इज ए स्मॉल ट्राउजर, निकर इज ए स्मॉल ट्राउजर एंड निक इज ए स्मॉल कट, ओके। होता है ना निक में क्या, हमें छोटा सा कट हो गया तो उसे क्या बोलेंगे निक, तो निक इज ए स्मॉल कट, निकर इज ए स्मॉल ट्राउजर है, दोनों वर्ड सिमिलर भी, आपको याद भी हो गया होगा।
अब और हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपके पास नाइक का शू है तो सपोज करो आपके नाइक के शू में स्क्रैच आ गया, छोटा सा कट आ गया, ओके, तो निक इन माई नाइक शू। जैसे इससे कैंची से आपको कुछ छोटा सा कुछ कट करे थे और आपके हाथ में कुछ छोटा सा हो गया कट, तो उसे भी क्या बोलेंगे हम, निक। ओके, अब आप इस वर्ड को अपने आप से करो रिलेट। सपोज आप करो इमेजिन कि आपको कब छोटा सा कट लगा था, आपको ऐसा कुछ इंसिडेंस याद होगा जो आपको कभी छोटा सा कट लगा हो, या आप जब छोटे बच्चे होंगे आपको चींटी ने काट लिया होगा, तो आपको चींटी ने काटा तो देखो छोटा सा मतलब कट हो जाता है, तो सपोज ऐसे ही कुछ आपको इंसिडेंस हुआ होगा निक से रिलेटेड, जो आपको कट लगाओ चोट लगाओ, तो आप उसे इमेजिन करो, तो अब आप उस वर्ड को अपने आप से करो रिलेट, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल ए स्मॉल निक ऑन हिज ब्रेस्ट, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैड निक्ड हिमसेल्फ वाइल सेविंग। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉयज लोग अगर वो सेविंग करे कट जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, ही हैड निक्ड हिमसेल्फ वाइल सेविंग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रोल आउट, RLLOUT। रोल आउट मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज और पॉलिसी टू द पब्लिक। मतलब किसी न्यू प्रोडक्ट को, न्यू सर्विस को, न्यू पॉलिसी को फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रोल आउट। ओके, जैसे मैंने इससे रिलेटेड एक वर्ड बताया था अनवेल। अनवेल और रोल आउट बोलो एक दूसरे का सिनोनिम्स है। अनवेल का वर्ड मैंने बताया था आपको शायद 1 जनवरी को, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो में देख लेना। 1 जनवरी को मैंने बताया था अनवेल का मतलब UNNVEIL, अनवेल। ओके, और एक रोल आउट का मतलब होता है, और एक रोल आउट का मतलब होता है, देखो ना जब हम पेपर को रोल करते हैं, जैसे ये देखो पेपर को जो हम रोल करते हैं तो इसे भी बोलते हैं हम रोल आउट। ओके, जैसे जैसे यहाँ देखो ये पेपर को जो हम रोल कर रहे हैं, ओके, ये रोल करके हम ऐसे करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, रोल आउट। ओके, सो रोल आउट मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पॉलिसी, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज, पॉलिसी टू द पब्लिक, और यू कैन से ए रोल आउट ऑफ ए प्रपोजल्स, लॉ और इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट टाइम दे आर मेड नोन टू द पब्लिक। और जैसा मैंने दूसरा बताया फ्लैटन और स्प्रेड विद रोलर, मतलब देखो ये रोल जो किया मैंने इसे बोलेंगे रोल आउट। हिंदी में बोलेंगे परिचय, क्योंकि किसी को हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं, परिचय करते हैं। ओके, अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आप इसे रिलेट करो एग रोल या वेज रोल से, है ना, रोल RROLL, तो सपोज आप एग रोल या वेज रोल खा रहे हो, ओके, तो वो भी क्या है, रोल है ना। देखो तो उसमें ब्रेड को क्या क्या करते हैं, रोल करते हैं, ब्रेड को रोल करते हैं तभी ना वो बनता है एग रोल या वेज रोल या क्रीम रोल, चॉकलेट रोल, कोई भी रोल हो, तो आप उसे करो रिलेट और वो हो गया रोल आउट। ओके, अब इस वर्ड को आप अपने आप से करो रिलेट कि आप प्रीवियस टाइम कब क्रीम रोल खाए थे या वेज रोल खाए थे या एग रोल या किसी भी टाइप का आप रोल खाए थे, तो आप वो रोल जो हुआ वो क्या, अगर इसमें रोल कर देंगे तो वो जगह रोल आउट। ओके, तो आप उससे करो रिलेट। फॉर एग्जाम्पल द ऑफिशियल रोल आउट इज इन 30 जुलाई, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रोल आउट द बिग मैप, जो मैप्स होते हैं या चार्ट पेपर होता है तो उसे हम रोल करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, रोल आउट। नेक्स्ट वर्ड इज लुक, LUCK, लुक वार्म। लुक वार्म इज नॉर्मली यूज टू टॉक अबाउट टेम्परेचर ऑफ समथिंग, मतलब लुक वार्म का मतलब होता है ना गर्म ना ज़्यादा। ओके, दैट मीन्स मॉडरली वार्म, जैसे जब आप कॉफ़ी या टी लेते होंगे तो उसे हम बोलते हैं लुक वार्म, क्योंकि वो ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंड होता है, तो उसे हम बोलते हैं लुक वार्म। ओके, जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में खाना सर्व होता है, खाना या डिनर सर्व होता है, तो वो लुक वार्म रहता है, ना ही ज़्यादा ठंड रहता है ना ही ज़्यादा गर्म रहता है, तो उसे हम बोलते हैं लुक वार्म। ओके, और एक लुक वार्म का मीनिंग होता है जब आपका एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग लो होता है, लेस होता है, मतलब उतने इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते हो या इंथुजियाज्म नहीं रहते हो, तो उसे भी बोलते हैं लुक वार्म। इसे आप एग्जाम्पल समझो, जैसे सपोज करो आप किसी, आप अपने 10 फ्रेंड ग्रुप, 10 फ्रेंड के साथ ग्रुप में बैठे, ओके, और एक फ्रेंड आपको कोई जोक सुनाता है, तो वो जो जो वो बहुत अच्छे से जोक सुनाता है, बट उसको जो रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों से वो बहुत ना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, ना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ना ही ज़्यादा लो रहता है, तो उसे हम बोलते हैं लुक वार्म। मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, उस समय जो आपका सिचुएशन था, मतलब आपको वो जो ना ही ज़्यादा पसंद आया ना ही ज़्यादा खराब आया, आपका वो था, मतलब आपको जो रिएक्शन था वो लुक वार्म था,
मतलब ना ही ज़्यादा अच्छा था ना ही ज़्यादा खराब था, तो उसे हम बोलते हैं लुकवार्म। ओके, जैसे अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आप लाइक कमेंट्स आप नहीं कर रहे हो तो मैं क्या समझूंगा कि आप इस वीडियो को लुकवार्म ले रहे हो, मतलब ना ही ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो ना ही ज़्यादा कम समझ रहे हो। तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड कमेंट करो ताकि मुझे भी लगे कि आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। ओके, होप आपको लुकवार्म का मतलब तो पता हो गया होगा। सो लुकवार्म मीन्स टेम्परेचर बिटवीन वार्म एंड कोल्ड, और यू कैन से मॉडरली वार्म, और यू कैन से जो मैंने नेक्स्ट मीनिंग बताया फीलिंग और सोइंग, फीलिंग और सोइंग लिटिल इंटरेस्ट और इंथुजाजम, मतलब उस जोक को सुनने के बाद वो जो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इंथुजाजम नहीं दिखाता, मतलब मॉडरेटली रहता है, तो उसे ही बोलते हैं लुक वार्म। ओके, लुक वार्म हिंदी में बोलेंगे गुनगुना या उदासीन। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो अभी सब टू रूट पार्ट में बांट दो, लुक एल यू के लुक एंड वार्म। ओके, तो वार्म मतलब तो आपको पता है, लुक का मतलब होता है वीक, वीक वार्म मतलब क्या है, मतलब हल्का गर्म है, वीक वार्म। ओके, तो वीक वार्म मीन्स लुक वार्म, जैसे ये मैंने बताया ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, जैसे टी कॉफ़ी या आपको जो खाना खाते होंगे तो वो क्या आपके लिए लुक वार्म है। ओके, तो जब भी आप खाना खाओ तो आप देखना उसमें मतलब उस वर्ड को रिलेट करना कि जब आप खाना खाते हो तो या चाय पीते हो तो वो क्या है, वो आपके लिए लुक वार्म है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हेट्स लुक वार्म कॉफ़ी, ही हेट्स लुक वार्म कॉफ़ी, मतलब उसको पूरा गर्म चाहिए, लुक वार्म नहीं चाहिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लुक वार्म रिस्पॉन्स, जैसे आप लोगों का अभी तक जो रिस्पॉन्स है वो तो लुक वार्म रिस्पॉन्स है। प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट करते रहो ताकि मुझे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो मैं पॉजिटिव फील करूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंस, विजिलेंस, विजिलेंस मीन्स सपोज इफ समवन हर्ट्स यू, इफ सपोज समवन हर्ट्स यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, तब आप बदला तो लोगे ही, तो वो जो आप बदला लोगे उसे हम बोलेंगे विजिलेंस। ओके, लाइक समथिंग लाइक सेम टाइप ऑफ पे बैक इन ऑर्डर टू सेटल द स्कोर, उसे बोलते हैं विजिलेंस। ओके, आप इसे हिंदी में समझो, एक्चुअली विजिलेंस मतलब क्या होता है, जब आपको या आपके फ्रेंड को या आपके फैमिली को कोई हर्ट करता है, ओके, तो जो जिसने आपको हर्ट किया आप जो उसको बदला लेते हो, लेकिन आप बदला नहीं लेते हो, आप उससे मतलब इंटेंसिटी मतलब उससे और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप बदला लेते हो, तो उसे हम बोलते हैं विजिलेंस। ओके, रेवेंज में क्या होता है, आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा और आपने उसे एक थप्पड़ मार दिया, तो वो हुआ रिवेंज। ओके, लेकिन विजिलेंस में क्या होता है, आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा और आपने उसको दो थप्पड़ मार दिया, तो उसे हम बोलते हैं विजिलेंस, मतलब उसे और इंटेंसिटी के साथ उसे बदला ले रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं विजिलेंस। ओके, अब आप इसे कहो रिलेट के आपने किसी से रिवेंज लिया था या विजिलेंस लिया था। ओके, सो विजिलेंस मीन्स द पनिशिंग ऑफ समवन फॉर हार्मिंग यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड, और द विश फॉर सच पनिशमेंट और टू हैपन, मतलब विश करते हो या उस पनिशमेंट देते हो, तो दोनों को बोलते हैं विजिलेंस। हिंदी में बोलेंगे प्रतिशोध या बदला। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आप इसे रिलेट करो वेंज से, वेंज, एएनसी को करो इग्नोर करो, करो वेंज से, वेंज। अगर हम वेंज के आगे री लगा देते हैं, री है ना, री लगा देते हैं, एड री इन बिगनिंग इट बिकम रिवेंज, तो वो हो जाएगा रिवेंज। एक्चुअली रिवेंज एंड विजिलेंस दोनों एक दूसरे का सिमिलर मतलब सिनोनिम्स है। ओके, तो रिवेंज विजिलेंस, रिवेंज विजिलेंस। ओके, so it means taking revenge. For example, women use law as weapons for vigilance. जो आजकल की वोमेंस है वो लॉ को यूज करिए एज अ विजिलेंस, मतलब रिवेंज लेने के लिए वो यूज करिए लॉ को। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज mow, 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 mow means होता है जब आप ग्रास को घास को या अदर प्लांट को, जैसे धान की खेती या सरसों की खेती या किसी की खेती को भी, मतलब घास को जब हम काटते हैं तो उसे हम बोलते हैं मो। ओके, जैसे आपने देखा होगा किसी ग्राउंड में किसी गार्डन में जो घास होते हैं वो बहुत प्लेन होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें मोइंग किया जाता है, मतलब उसे काटा जाता है। जैसे ये देखो पिक में, आपने किसी फील्ड में या किसी ग्राउंड में देखा होगा कि ये क्या है, इसको मोइंग करते हैं, मतलब उस फील्ड को काटते हैं। ओके, उस घास को, तो उसे हम बोलते हैं मोइंग। ओके, मोइंग का और एक मतलब होता है सेड फेस, जैसे ये देखो पिक में, मतलब होता है ना पॉट, POUT, पॉट मतलब होता है जब गर्ल्स, मतलब एक्चुअली पॉट गर्ल्स में ही सूट करता है, जब होता है ना गर्ल्स मतलब उदास होती है, मतलब देखते हो वो क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब वो
यहाँ पे देखो वर्ड होगा, हाँ, मेक ए सेड फेस एंड थ्रस्ट आउट वंस लोअर लिप, मतलब देखते हो वो जो लोअर लिप्स को बाहर निकल के जो सेड सा फेस बनाती है, फेस बनाती है, तो उसे बोलते हैं मो, लाइक उसको पॉट बोलते हैं, POUT पॉट। ओके, ये गस में शूट करता है, वॉइस में नहीं। ओके, सो मो मीन्स कट विथ ब्लेड और मोअर, लाइक ग्रास एयर, लाइक ग्रास सीरियल ग्रॉप्स या धान की कटाई या गेहूं की कटाई होती है तो उसे बोलते हैं मो। ओके, और यू कैन से मेड ए सेड फेस एंड थ्रस्ट आउट वंस लोअर लिप, हिंदी में बोलेंगे घास के हंसुआ से घास की कटाई। देखो जो घास को या धान को काटते हैं ना, तो वो हंसुआ से काटते हैं, एक वो औजार है तो उसे बोलते हैं हंसुआ, और इसे बोलते हैं मुंह बनाना। ओके, अब आप इस वर्ड को अपने आप से करो रिलेट, कि आपने किसी फील्ड में मोइंग होते देखा है, अगर आपने किसी फील्ड में, किसी ग्राउंड में, या आप धान काटते हुए या किसी को कुछ मतलब घास काटते हुए देखा होगा। ओके, तो आप उस वर्ड को, आप वीडियो को पॉज करो, आप उससे करो, इमेजिन करो कि आपने कभी मोइंग होते हुए देखा है। ओके, तो आप उससे करो रिलेट, तो आपको वर्ड याद हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कांट मो द ग्रास और लॉन इफ इट्स वेट, मतलब देखो जब घास धान की जब कटाई होती है, तो वो हार्वेस्ट, जब वो हार्वेस्ट के लिए पक जाती है, मतलब वो हार्वेस्ट के लिए वो तैयार हो जाती है, तभी धान को काटा जाता है, तो उसे बोलते हैं मो, मतलब जब वो वीट रहती है, मतलब भींगा हुआ रहता है, तो उसे नहीं काटा जाता, जो सूख जाता है पूरा, उसके बाद काटा जाता है उसे, तो उसे क्या बोलेंगे, मो। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, सो गाइस वर्ड्स तो खत्म हो गए, अब आपको बताना है कैवियट का मतलब क्या होता है, कैवियट। ओके, आज आपको बताना है कैवियट का मतलब क्या होता है। कैवियट वर्ड मैंने बहुत पहले डिस्कस किया, ये शायद मैं 21 दिसंबर को डिस्कस किया कैवियट। ओके, मैंने इसको किया था रिलेट CAV कैव प्लस एट। ओके, कैवियट, तो आपको बताना है कैवियट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल टीम अखिलेश फाइल्स कैवियट। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, प्लीज आप कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसा रहा, मैंने जो कुछ कोशिश किया आप लोगों को वर्ड्स को अपने आप से रिलेट करने का, वो आपको कैसा लगा, रियली मैं इसको आगे मैं बढ़ाऊँ या मैं जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलूँ। प्लीज गाइज आपका कमेंट बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए, आप प्लीज कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, okay?